ये जो पांच वस्तुएं हैं, मति, कीर्ति, भूति, भलाई और गति, संसार में जब भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हुआ होगा तो वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव होगा। उसका एक स्वाभाविक एक प्रश्न मन में आता ही है कि क्या जो सत्संग नहीं जाते वे बुद्धिमान नहीं होते, क्या उनके बड़े नाम नहीं होते, कैसे कह सकते हैं कि उन्हें संपत्ति उसके पास नहीं होती। जहां तक भलाई की बात है, ऐसा भी लग सकता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ भलाई वाला तो है, और जहां तक गति की बात है वह तो एक विश्वास का विषय है कि बनने के बाद किसकी व्यक्ति की गति कैसी होगी। प्रारंभ में ऐसा लगता है, किंतु गोस्वामी जी जब यह बताते हैं कि इन वस्तुओं की प्राप्ति का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और सचमुच जिस वस्तु को पा करके हमें ऐसा लगे कि हमने पा लिया, पालने के बाद जिसे हमारे मन में ये भय न सतावे कि कहीं ये खोने जाए, या पाने के बाद ऐसा ना हो कि पाने के पहले हमारे मन में जो कल्पना रही हो कि ये वस्तु जब मिल जाएगी तो बस इससे बढ़ करके हमारे लिए आनंद का कोई क्षण ही नहीं होगा। तो उसका अभिप्राय यह है कि गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि जिसे सही अर्थ में हम पाना कह सकते हैं और पाने के उद्देश्य की पूर्ति जिससे होती है वही उस वस्तु को पाना कह सकते हैं। रावण ने सीता जी को पा लिया लगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सीता जी यदि मूर्तिमान शांति है तो उनके आने से तो लंका में शांति अच्छा जानी चाहिए, पर उनके आ जाने के बाद जितनी अशांति लंका में हुई उतनी अशांति तो उससे पहले कभी नहीं थी। सीता जी यदि लक्ष्मी है, यदि सीता जी शक्ति है, तो रावण के जीवन में तो उसका प्रतिकूल ही परिणाम हुआ। तो उसका अर्थ यह है कि उस प्राप्ति का जो वास्तविक तात्पर्य है, जो स्वरूप है, वह उसके जीवन में नहीं। इस दृष्टि से विचार करके देखें मत के संदर्भ में ही, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु तो व्यक्ति की बुद्धि ही है। और आप ये देखते हैं मनोविज्ञान कि आपके लिए अगर कोई ये कह दे कि भाई इनकी अपेक्षा बलवान है तो आप सरलता से मान लेते हैं, हाँ भाई तो मेरे पास शक्ति कम है, और धन के विषय में भी व्यक्ति है स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये एक ऐसी वस्तु बुद्धि है कि जिसके विषय में कोई व्यक्ति अपने आप में कमी मानना नहीं चाहता। अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारी बुद्धि तो उनकी तुलना में बड़ी हीन है तो उसे बुरा लग जाता है। इसका अभिप्राय है कि बुद्ध के प्रति ही हमारे जीवन में सबसे महत्व की धारणा है। पर गोस्वामी जी ने एक नई दृष्टि दी है, और वह रामायण के कुछ पात्रों के साथ उन्होंने मन मत शब्द का प्रयोग किया है, विशेषण का प्रयोग किया है। मंद मति का अभिप्राय है कि बुद्धि जो है मंद है, जो ग्रहण करने में सक्षम नहीं है, जिससे कोई बात याद नहीं रहती, तो हम उसके लिए कहते हैं यह तो बड़ा मंद बुद्धि का है। तो रामायण में दो प्रकार से इस शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंदमती कहते हैं, और उन पात्रों में स्वयं गोस्वामी जी हैं और स्वयं साक्षात भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं। गोस्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा मंदबुद्धि का हूं। जब ये श्री शंकर और पार्वती के विवाह का वर्णन करते हैं तो ये कह देते हैं कि छवि खान जो यह जो विवाह है का वो तो वस्तुतः
शेष शारदा के लिए भी अशक्य है वर्णन करना, तो मंदमति तुलसी कहा। तो मन गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मंदमति हूं, और स्वयं प्रभु और हनुमान जी का जब मिलन हुआ और प्रभु ने एक अनोखे अभिनय का परिचय देते हुए हनुमान जी को पूछा कि ब्राह्मण का आप अपना परिचय दीजिए। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में प्रभु का रहस्य जानने के लिए आए हुए थे। सुग्रीव ने यह काम सौंपा था कि कहीं ये वाक्य भेजे हुए को मारने के लिए तो ये दोनों राजकुमार नहीं आ रहे। संवाद के बाद अंजान लगते हुए प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको अपना परिचय बता दिया, मैं अयोध्या के राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है, और मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी थी, पर वन में उनका किसी ने हरण कर लिया। कौशल रख के जाए हम तो वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नाम सुकुमार सुहाई, या हरि निश्चर भरे ही खोज तो विप्र फिर हम थे ही, मेरी पत्नी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है, ब्राह्मण देवता मैं उन्हें खोजता फिर रहा हूं। और इसके बाद हनुमान जी तो प्रभु को पहचान लेते हैं। तब अनोखी बात यह थी कि प्रभु ने न पहचानने का अभिनय करते हुए हनुमान जी से पूछ दिया, मैंने तो आपको अपना चरित्र सुना दिया, अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए। और हनुमान जी ने अपने लिए सबसे पहले मंद शब्द का प्रयोग किया, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुन प्रमोह विशारे दीन बंधु भगवान। तो ये कुछ पात्र तो ऐसे हैं जो स्वयं को मंद मत मानते, और कुछ पात्र ऐसे हैं कि जो अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानते, जो अपने को मंद मत मानते हैं मैं उसकी धारणा है कि वे धन्य है, और जो मंदमती होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं वो वस्तुतः सही अर्थों में वे बुद्धि के स्वरूप को यदि समझ पाते तो ऐसा दावा न करते। दो उसके तात्पर्य का, एक तात्पर्य है कि बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य जानना है समझना, पर उसके साथ साथ यही जानना केवल महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आपको साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि कितना आप नहीं जानते, क्योंकि जब आपका ध्यान इस ओर जाता है कि मैं ये जानता हूं तो आप में अभिमान होना स्वाभाविक है। पर जब व्यक्ति को ये ध्यान जाता है, जिस ओर ध्यान चला जाता है कि कितना मैं नहीं जानता, तो उसको लगने लगता है कि मैं क्या जानता हूं। तो उसका अभिप्राय यह है कि अपने आप को मंद बुद्धि मानना, मंद मानना, इससे बढ़कर के कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी। हम यह समझ रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी बुद्धि की एक सीमा है, और उस सीमा के बाद का बुद्धि जो है मैंने हमको प्रेषित कर देती है उस दिशा में, और जहां वो बता देती है कि इसके बाद हम स्वयं आपकी सहायता नहीं कर सकते, और वो संकेत आपको पालस के प्रसंगों में मिलेगा। का एक प्रसंग तो वह है जहां हनुमान जी महाराज जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए लंका में जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थों में सीता जी मूर्तिमती शांति है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, लंका स्वर्णमयी नगरी है, वैभव है, सामर्थ्य है, पांडित्य है, बल है, सब कुछ लंका में तो दिखाई देता है। हनुमान जी को पता लगाने के लिए आए हैं कि यह शांति देवी कहां, और ये तो सभी के जीवन का प्रश्न है
कि जहाँ बड़ी समृद्धि है, जहाँ सोना है, सत्ता है, सचमुच क्या वहां पर जीवन में शांति है क्या? माने हनुमान जी की खोज क्या है? शांति की खोज। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं पाना चाहता? और रोजा यह कहते हुए अनेक व्यक्ति आपको मिलते होंगे, और मुझे तो बार बार ऐसे लोगों से मिलने को अवसर मिलता है कि जो कहते हैं कि क्या बता रहे, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं। वो सही बात कहते हैं। ये जीवन की अनुभूति है, और यही सत्य लंका के संदर्भ में दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से वो जो बात कही जा रही है उसे सुनेंगे। सीता जी को रावण ने पद्धति से पाया, उसका परिणाम क्या हुआ? सीता जी का जो आगमन विवाह के बाद धर्म भंग हुआ, कन्यादान हुआ, और उसके पश्चात प्रभु नीलकंठ ने सीता के साथ सियावर पधारे, तीनों भाई और उनकी जो भतीजा है वह उनके साथ आई, तो लंका अयोध्या में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। और माताओं ने जब दोनों चारों राजकुमारों और चारों बधुओं को देखा, तो उन्हें कैसा आनंद आया इसके लिए गोस्वामी जी को, जैसे लगता है कि कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहा, वाक्य ही नहीं मिल पा। एक बात कहते कहते वो और दूसरी बात कहते, गोस्वामी जी की उन पंक्तियों को जोड़ा मैं कहते होंगे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रामायण का जो पूरा आनंद लेना चाहते हैं और प्रवचन को भी पूरी तरह समझना चाहे, तो आप रामायण का पाठ अवश्य करें, रामायण को पढ़ें, उसका उससे आपका आनंद अत्यधिक बढ़ जाएगा। वो स्वामी जी ने कहा, जिसमें माताओं ने चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों को देखा, कैसा आनंद आया। और तब उन्होंने लिखा, पावा परम तत्व जड़ योगी, जैसे योगी ने परम तत्व पा लिया और परम तत्व को पा करके उसको जैसे आनंद की अनुभूति हो रही हो, वैसे अनुभूति कौशल्या अम्मा और माताओं को हो रही। पर इतने से ही संतोष नहीं होता। फिर वो दूसरा वाक्य लिखते हैं, अमृत लहु जन संतत रोगी, जैसे कोई व्यक्ति न जाने कब से रोग से ग्रस्त हो और उसे अमृत मिल जाए और अमृत से उसके सारे रोगों का नाश हो जाए, उसको जैसे आनंद की अनुभूति होती है उन्हीं होगी, वैसा आनंद माताओं को आ रहा है। पर इसके अभी आगे वो बढ़े, पावा परम तत्व जन योगी, अमृत लहु जन संतत रोगी, और जन्म रंग जन पारस पावा, जैसे कोई प्रारंभ से जीवन से दरिद्रता के कष्ट भोग रहा हो उसे पारस मिल जाए। पर यही नहीं रुक पाते, वे कहते हैं कि जन्म रंग पूर्ण पारस पावा, अंधन लोचन लाभ सुहावा, जिसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हो वैसा आनंद आया। और इससे भी आगे बढ़कर के वे कहते हैं, मूर्ख बदन जब शारद छाई, जैसे किसी गुंगे के कुमारी मिल गई हो, जो कभी नहीं बोल पाता था आज बोलने में समर्थ हो गया हो। और फिर अंत में कहते हैं, मानव उस समय सूर्य जय पाई, जैसे किसी योद्धा ने विजय प्राप्त कर लिया। इन छत को प्रस्तुत करने के बाद वो स्वामी जी सिखा गया कि अच्छा चलो, अब कम से कम छह के बाद आपको संतोष तो हो गया, तो अब बताइए इन छह के समृद्ध सुख की तुलना किससे की जा सकती। लेकिन गोस्वामी जी को संतोष तो भी नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये छह तो मैंने गिरा दिया, पर इस छह को अगर 100 करोड़ से गुणा कर दो तो जितना सुख मिलना चाहिए उतना मिला। ये सुख ते सतकोट गुण, पावन मातुआनंद, भाईन सहित विवाह घर आए रकुल चंद। प्रभु श्री राम भद्र के विवाह के पश्चात आनंद की जो बाढ़ अयोध्या में आई, वो इन शब्दों में गोस्वामी जी के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पर जब उन्हीं जनक नंदिनी सीता को रावण लाता है, और वही जिसमें शब्द है
मत कीरत गति भूति भलाई, जब जी जतन जहां नहीं पाई, चोरी के द्वारा छल के द्वारा साधु का वेश बना करके और वहां लंका में ले आता है, तो क्या इस प्रकार के आनंद में से कोई भी आनंद उसे मिला? और इसका उत्तर है कि सत्य तो यह है कि उसको उलट कीजिए। अयोध्या में उनके आगमन से जो महानतम आनंद की स्थिति आई, ठीक उससे प्रतिकूल स्थिति लंका में आ गई। बड़े विस्तार से अलग अलग प्रसंगों में गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख किया है। उस पूरे प्रसंग को दोहराने का समय नहीं है, क्योंकि पूरे प्रसंग की व्याख्या संक्षेप में अन्य 7 दिनों में 6 दिनों में हो जाए, इसलिए उसमें विस्तार नहीं देता। पर वो स्वामी जी ने एक सूत्र लिखा और बड़े महत्व का सूत्र है। रावण क्या है? हमारे यहां योग को बड़ा महत्व दिया गया है और आज भी योग तो लोगों के जीवन में एक फैशन का रूप धारण कर चुका है। लोग बहुधा अगर व्यायाम भी करते हैं तो या थोड़ा ध्यान करते हैं तो ये कहते हैं कि आजकल मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं। प्रयोग शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। आप अगर हिंदी में गणित की दृष्टि से विचार करें तो किसी वस्तु को जोड़ देना ये योग है। तो योग का वास्तविक अर्थ उतना ही नहीं है जितना लोग लेते हैं, ठीक है। शरीर के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है और योग के द्वारा स्वास्थ्य भी व्यक्ति पा लेता है और अनेक लाल शरीर को या पहले ये थोड़ा मन को शांति के रूप में, चाहे शांति थोड़ी देर के लिए ही सही हो, व्यक्ति उसका अनुभव करता है। पर योग का जो चरम लक्ष्य है, अभी हम गोस्वामी जी वो सूत्र देते हैं कि आप योगी हैं कि आप कुयोगी हैं। योगी का अर्थ है, योग के विषय में भी आप जानते हैं कि योग का प्रयोग भी अगर व्यक्ति देख रेख में ये निर्देशक गुरु है, उसको सिखाने वाला है, उसकी पद्धति से करता है तो उसको स्वास्थ्य का लाभ होता है। लेकिन अगर वो करने में व्यक्ति अपने मनमाने प्रकृति का परिचय देते हुए अभ्यास करे तो प्रसिद्ध कहावत हिंदी में प्रचलित है कि देखा देखी कीजिए योग और चीजें पावा बाढ़े रोग। अनेक अमुनाभ्यासियों को रोगी होते ही मैंने देखा है। मैं तो लाभार्थी था, मैं एक बड़ी अवस्था के व्यक्ति आए, योगी थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें थोड़े अभ्यास का योग का अभ्यास कराऊंगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, और ये भी कह दिया कि मैं तो तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं। अब तुम बड़े धन संकट में वे आए थे मेरे हित बुद्धि लेकर के, और उसके पश्चात जब उन्होंने पिताजी का नाम ले लिया तो मेरे लिए तो और भी उनको सम्मान देना महत्वपूर्ण था। मैंने कहा भी कि वो मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं आता हूं, मैं रहता हूं, विभिन्न परिस्थितियों में रहता हूं, तो आप कृपा करके मुझे, क्योंकि जो एक शांत परिस्थित होके सही एक वातावरण में रहे उसके लिए अधिक उपयोगी है। अब जिसको हर 10 दिन में 5 दिन में यात्रा ही करनी है नए स्थान में, नहीं नहीं वो तो मैं तुम्हें शिक्षा दे करके रहूंगा, हमें क्या करता। और वो जो प्रातः काल आते और मुझसे अभ्यास कराते, परिणाम क्या हुआ? मेरे पीठ में इतना दर्द होने लगा कि मेरा स्वस्थ हो गया। उनके अभ्यास में उन्होंने एक बुद्धि से किया, मेरी ही कमी हो, लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि मेरे शरीर की रचना या उसके लिए जो अपेक्षित था वो नहीं संभव था। तो वो तो उस समय जब तक वे वहां थे या मैं था तब तक तो मुझे वो पाठ सीखना ही था, चाहे कष्ट बढ़ रहा था, पर उनके साथ साथ मैंने उनको जो सिखाया था उसको विदा में दे दिया कि महाराज आपने बड़ी कृपा करके कष्ट किया। वो स्वामी जी को भी इस बात का अनुभव रहा होगा
क्योंकि गोस्वामी जी का जिस काल में जन्म हुआ था उसके पहले कुछ ऐसे संप्रदाय थे जिन्होंने योग को बड़ा महत्व दिया था। योग की निंदा के लिए बात नहीं कही जा रही है। गोस्वामी जी ने थोड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा, प्रसिद्ध संतो श्री गोरखनाथ जी महाराज जो महान तत्वज्ञ और उनकी महिमा बहुत अधिक जनता में प्रचलित है, तो उन्होंने जो पथ चलाया का उस पथ के द्वारा लोगों में योग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। उनकी योग पद्धति कुछ भिन्न है, उसमें हठ योग है, पारद सिद्धि है, वो आज के योग से थोड़ा हटकर के भी योग है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि योग के द्वारा अगर शरीर स्वस्थ हो सकता है तो मनुष्य के जीवन में तो शरीर महत्वपूर्ण है, पर महत्वपूर्ण होते हुए भी उसको यह संतुलन ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखना है, और मन ही नहीं बुद्धि को भी, चित्त और अहंकार को भी। अंतःकरण अगर हमारा योग साधना के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो हमारा योग परिपूर्ण है, और नहीं तो गोस्वामी जी ने दुख प्रकट करते हुए कविता रामायण में कहा, क्या बतावे गोरख जगायो योग भगत ही भगायो योग। अब आज लोग उन्होंने कहा भक्त बनने के स्थान पर योगी कहलाने में आनंद का अनुभव करते हैं। उनका अभिप्राय कल इतना था कि अब भक्ति में यह तो दावा नहीं किया गया कि आप भक्त करें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन योग में तो दावा है। तो उसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने को बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए योगी कहलाने की जब प्रवृत्ति जागृत हुई तो लोगों में भक्त का जो एक भावना थी उसमें कभी आ गई। और उसको वो स्वामी जी ने जब भी देखा उसके दुष्परिणामों को देखा तो उनका अभिप्राय यही था कि योग का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ करके मन और अंतःकरण को शुद्ध करके अंत में लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है या भगवान की प्राप्ति। तो उस अर्थ में ये शरीर की साधना सहायक है, पर शरीर की स्वस्थता का उद्देश्य अगर केवल यह हो कि हम अधिक से अधिक स्वस्थ रह करके भोगों को भोग सके। अतिशय हम जीवन में जो भोग सामान्यतः नहीं भोग पाते हैं, हम उस योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बना करके अगर हम योग के द्वारा भोग पाना चाहें तो इससे बढ़कर के कोई योग की विडंबना नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी इस प्रसंग में भी वो रामायण में भी इसके संकेत देते हैं। योगियों की बड़े बड़े चमत्कार ग्रंथों में है और योग शास्त्र में ऐसे चमत्कारों का वर्णन है, और उस दृष्टि से विचार करके आप देखें तो रावण के जीवन में आज के महान से महान योगियों में कहा जाता है कि उनमें इतनी सिद्धियां हैं, रावण के चरित्र में तो उससे इतनी अधिक सिद्धियों का वर्णन है कि वो तो आज उसकी कल्पना भी असंभव है। रावण चाहे आकाश में उड़ सकता है, रावण चाहे देश परिवर्तन कर सकता है, रावण का सिर कटने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती, तो रावण के जो चमत्कार है वो तो अनगिनत है। पर गोस्वामी जी ने रावण के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया वह शब्द उन्होंने चुना रावण को, हम अगर योगी भी कहें क्योंकि योग की जो क्षमताएं हैं उसके जीवन में है, बड़ा ही एकाग्र मन वाला है, चाहे जितना अपने संकल्प से मन को एकाग्र कर लेता है, और जब वह रूप परिवर्तन करता है तो रूप परिवर्तन तो बिना एकाग्रता के होगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में योग की समस्त विशेषताएं रावण के जीवन में दिखाई देती। और दूसरे दो योगी रामायण में और है, एक है श्री भरत और दूसरे है महाराज श्री जनक। इन दोनों को भी योगी बताया गया है। महाराज जनक के लिए भी यही वाक्य पढ़ने को मिलेगा, प्रण सहित विदेहू जाय राम पद गुण स्नेहु जो भोग मह राखे गोई राम लोकत प्रगट सोई। महाराज जनक ऐसे योगी है कि बाहर से देखने में भोगी ही लगते थे पर वो अंतकरण से योगी थे।
कुछ जो बाहर से योगी प्रतीत होते हैं भीतर से वह भी होते हैं। और ये महाराज जनक का संबंध किससे? सीता जी से। सीता जी कौन है? अभी प्रारंभ में बात कही, आशा आप सो करके खो नहीं रहे हो। वो यही है कि सीता जी मूर्तिमती शांति है और जनक ने सबसे पहले उन्हें पा लिया। जनक निष्काम कर्मियों की है, लोक कल्याण को छोड़कर के उनके जीवन में और कोई कर्म नहीं, महान ज्ञानी है। ऐसे योगी जनक को बिना प्रयास के ही हल चलाते हुए सीता जी की प्राप्ति हो गई। तो मानो जो निष्काम है, त्यागा छांति अनंतरम कह करके ही कहा गया है, जहां निष्कामता है जहां त्याग है वही शांति है। और ये जनक के जीवन में प्रत्यक्ष है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि जनक नंदिनी सीता को पाने के बाद उन्होंने उनसे जिस भावात्मक नाते को जोड़ा, वो कौन सा नाता? पुत्री के रूप में उन्होंने देखा। और पुत्री के रूप में देखने के बाद उनकी यही आकांक्षा है कि यह पुत्री समर्पित की जाए और बाद में महर्षि जनक धनुष यज्ञ करते हैं, उसके द्वारा उस वर की योग्यता की परीक्षा लेते हैं जो जानकी जी को जानकी जी के साथ विवाह करने के योग्य हो। श्री राम के द्वारा जब धनुर्भंग होता है तो इस महान योगी को परमानंद की प्राप्ति होती है। क्यों? उन्होंने सीता जी को श्री राम के प्रति अर्पित कर दिया। गोस्वामी जी ने जो लिखा, जब विवाह हुआ तो गोस्वामी जी ने उसको योग की दृष्टि से भी देखा। रामायण एक ऐसा महान ग्रंथ है कि आप उसको कई कई रूपों में, कई दृष्टियों से आप उसके सही अर्थ को समझ सकते हैं। उनका योग योगी की दृष्टि से भी उसकी व्याख्या की। उनका जनक का यह मंडप जिसमें विवाह हुआ, ये सभी जीवों का अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण में अगर वैसा मंडप आप बना सके जैसा मंडप महाराज जनक ने बनाया, और उस मंडप में वह विवाह चारों भाइयों का संपन्न हो जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन की जो चरम स्थिति है, कृतकृत्यता है, सिद्धि आपको मिल जाएगी। और इसीलिए वो समझ लिखा, चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ मंडप में विराजमान है। और वो स्वामी जी क्या लिखते हैं? सुंदरी सुंदर वर्ण सा सब एक मंडप राज ही, जन जीव उर चारू अवस्था विभिन्न सहित विराजे। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, ईश्वर श्री राम और शांति रूपा शक्ति रूपा लक्ष्मी रूपा सीता का जो मिलन है, महाराज श्री जनक का यह जो समर्पण है, मानुष का अभिप्राय यह है, जहां समर्पण की वृत्ति है वहां शांति। और समर्पण की वृत्ति महाराज जनक में है तो वो उनके जीवन में सीता जी का आना, और आने के बाद भी उनके मन में यही उत्पन्न होती है भावना कि ये तो जिनकी है उनके प्रति अर्पित की जाए। इसलिए एक योगी जनक है। दूसरे योगी श्री भरत है। जब वो कैकेयी की जो बुद्धि है, जिसकी चर्चा भी आपने सुनी भाषण में भी, कल भी चर्चा हुई थी, मंदमती मंथरा और उसको उसके संग से जो कई कई बड़ी बुद्धिमती मानी जाती थी, उन्हें भी वही मंदमती की उपाधि मिल गई। और उसके पश्चात उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से क्या पाया, क्या खोया? उन्होंने सोचा था पुत्र को राज्य दिला करके मैं राजमाता बन जाऊंगी, मेरी महिमा बढ़ जाएगी। लेकिन मंथरा की उस कूट बुद्धि का परिणाम तो यह हुआ कि उन्होंने कलंक पाया, तो अपने पति की मृत्यु का कारण बनी, और अंत में जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतना अनर्थ किया उसी ने ये कह करके फटकारा कि जब तय कुमति तू मंदमती कहे, तुझे कुमति कहे, तू बुद्धिमान नहीं है, तेरी बुद्धि तो कुमति, ये दो शब्द है, मति के साथ या तो सु लगा है,
और या फू लगा हुआ है, तो मत के साथ कु और सु कहां से आया? याद रखिए, अगर आप सत्संग में गए तो सत्संग का सकार अगर आपके मत के साथ जुड़ गया तो सुमति हो गई, और आप कुसंग में गए तो उसकी कु जो है आपके बुद्धि के साथ जुड़ गई तो कुमति हो गया। ये बुद्धि के साथ तो सुमति कुमति संग का ही परिणाम। तो मंथरा के जीवन, मंथरा के इस मंद बुद्धित्व का, और भरत ने कहा अरे कुमति, अरे बुद्धिहीन, तेरी बुद्धि कितनी मलिन है। और कठोर शब्दों में कहा कि जब तूने इस प्रकार की बात सोची कि हम राम लक्ष्मण, राम सीता को, लक्ष्मण को बन भेज करके अपने पुत्र को राज्य दिला दे, तुझमें अगर बुद्धि का लेश भी होता तो मैं कहूं। उसे भरत जी ने कहा कि तेरा हृदय तो फट जाना चाहिए, जब तय कुमति कुमति जिये है, खंड खंड हुई हृदय ने गयू, तेरा हृदय टुकड़े में बट करके नष्ट नहीं हो गया। और जब तू बर मांगने लगी, तेरे हृदय में कोई कष्ट नहीं हुआ। और उन्होंने तो कहा कि तेरी गिहवा जिहवा अगर गल के गिर जाती तो अधिक अच्छा था। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी हम पर कीरा, भूप प्रतीत तोड़ की मिकीनी, मरण काल भी मति हर लीनी। इतनी भरतना के कठोर शब्द सुनना पड़ा, मानो पाने के स्थान पर सब कुछ ही तो खो दिया कैकेयी ने। अयोध्यावासियों का सम्मान आज कैकेयी को तो देखना ही नहीं चाहते अयोध्यावासी। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का वो उपयोग करता है जो मंथरा ने किया, भेद उत्पन्न करना, ईर्षा और द्वेष उत्पन्न करना, और कैसे हम वस्तु पर अधिकार कर ले, दूसरे के वस्तु को हम अपना बना ले, उसका परिणाम अंततो गत्वा वही होता है का जो महाभारत में आपको दिखाई देता है, या मंथरा ने जिस प्रकार से कैकेयी के जीवन में उस दुरुपयोग से कैकेयी, मानो मंथरा का जो कु था वही जुड़ गया कैकेयी के बुद्ध के साथ, और वो कुमति हो गई। और तब अंत में आप यही तो संकेत पाते, किसी भरत ने यह निर्णय किया और ये कहा, ये कई उपाय, और उपाय यही है कि प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, हम प्रातः काल प्रभु के पास चलेंगे। और वे भी समर्पण से भी ऊंची एक भावना जो होती है उस महान योगी के जीवन में, समर्पण माने आप किसी वस्तु को आपकी है और आप उसे सौंप देते हैं, ये समर्पण है। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत यदि तुम राज्य का समर्पण ही करना चाहते हो तो तुम ही राज्य ले लो, पिता ने तुम्हें राज्य दे दिया, राज्य तुम्हारा हो गया, हो जाएगा, उसके बाद सौंपे राज राम के आए। पर श्री भरत ने कहा इस समर्पण की कल्पना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्यों? अपनी वस्तु हम किसी को भेंट में दे तो भेंट और समर्पण हुआ, और सामने वाले व्यक्ति की वस्तु को छीन करके हम बड़ी उदारता से कह लीजिए थोड़ा आप भी भेंट ले लीजिए। भरत जी ने कहा किसका समर्पण, क्यों? बोले संपत्ति सब रघुपति के आई, मेरी संपत्ति है कि मैं दे दूंगा, वो तो प्रभु की थी, वो तो पिताजी को ये भ्रम हो गया कि वो स्वामी है और वे चाहे जिसे दे सकते हैं। और उन्होंने यही कह दिया कि लगता है कि हमारे पिताजी क्या बताने, कैकेयी तो कुमति थी पर हमारे पिताजी तो बहुत मतिमान माने जाते थे, बुद्धिमान माने जाते थे। लेकिन उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि सुना तो था कि मरते समय कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, और मुझे भी यही लगता है। उन्होंने कहा कि मंथरा कैकेयी तुम तो कुमति थी, तो मैं क्या बताऊं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भूप प्रतीत तोड़ किम कीनी, राजा ने तुम्हारा कैसे विश्वास कर लिया। तो लगता यही है कि मरण काल विधि मति हरि लीनी, उन्हें कुमति तो नहीं कहे लेकिन जैसे चोरी चली जाए कोई वस्तु तो पहले मति थी भी,
तो ब्रह्मा ने उसका हरण कर लिया और उसका परिमार्जन उन्होंने यही कहा कि हम लोग उन्हें देने नहीं जाएंगे, हम देंगे नहीं, हम तो निवेदन करेंगे कि आपका ये सनातन, आपका ये राज्य अनाथ हो रहा है, आप कृपा करके उसको सनाथ करें, उसे स्वीकार करो। यह दूसरे महानतम योगी, सर्वश्रेष्ठ योगी जो श्री भरत है, जब चित्रकूट में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जड़ योगी परमार्थ पावा। जैसे योगी ने परमार्थ को पा लिया, महाराज जनक ने पाया, तो समर्पण का भाव ये प्रभु की कृपा है। प्रभु अपनी भी वस्तु को अगर कोई उनको अर्पित कर दे तो बुरा नहीं मानते, वो तो अर्जुन से कही देते हैं कि जो कुछ करो मुझे समर्पित कर दो, तो वो तो उन्हीं का है। पर कितने उदार है कि कह देते हैं भाई अब अपनी वस्तु जो है तुम दो, ये कैसे मैं कहूं, पर मेरी वस्तु को अपनी मान के भी दे देते हो तो हम दे नहीं मान लेंगे। यह मनो प्रभु की उदारता है। श्री भरत का वह योग जिसमें वो प्रभु को और सीता जी, वहां पर केंद्र में सीता जी है, अयोध्या में भी सीता जी, मिथिला में भी सीता जी, और वही सीता जी लंका में है, बस अंतर है। अयोध्या में शांति का आवाज, मिथिला में जो शांति की दिव्य भावना है, अयोध्या में शांति का जो दिव्य साम्राज्य है, कौवा साम्राज्य। इस योगी श्री भरत ने जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो चित्रकूट कैसा लग रहा था, उनका जैसे एक राज्य था ना, शांति का साम्राज्य है और बुद्धि का पवित्र का प्रयोग चित्रकूट में दिखाई देता है, मानो एक योगी श्री भरत। और तीसरा यह जो योग के चमत्कारों से का बिल्कुल ऐसा का वैसे चमत्कार तो श्री भरत ने भी वैसे देखने को नहीं मिलता, और वैसा चमत्कार तो जनक के चरित्र में भी उस तरह के चमत्कारों का वर्णन नहीं जैसा रावण के चरित्र में है। ऐसा चमत्कारी योगी, वह भी तो लंका में सीता जी को लाने के लिए प्रयत्नशील है, पर क्या हुआ, कैसे पाया, किस तरह से पाया और कहां पाया, अंत में उसका दुष्परिणाम तो यह हुआ कि गोस्वामी जी ने उसको लिए एक नया शब्द कहा, योगी तो ये नहीं है, लेकिन अंगद ने जब रावण की सभा में अपना पैर सामने रोप दिया, रोप देने के पीछे अंगद का एक विशेष उद्देश्य था। मंदोदरी ने रावण से कहा था, तुम सीता जी को पाना चाहते थे तो मार्ग खुला हुआ था, महाराज जनक ने अपनी पुत्री का विवाह राम से नहीं कर दिया, उन्होंने तो कहा था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी, आप अगर धनुष तोड़ करके उन्हें लाते तो बढ़िया, आपकी वीरता आपकी महिमा ही संसार में प्रकट होती। पर रावण की जो बुद्धिमत्ता थी वो उन बुद्धिमानों की तरह होती है, कोई व्यक्ति बात बनाने की कला में बड़े निपुण होते हैं और रावण तो बात को बदलने बनाने की कला में और उसमें कुछ ऐसा चक्र चला देने में निपुण है। और उसने तुरंत मंदोदरी से कहा कि मंदोदरी तुम यदि ये कहती हो तो क्या तुम कल्पना करती हो कि जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया वो धनुष को नहीं उठा सकता था, जब वो कैलाश पर्वत पर शंकर जी पार्वती जी धनुष गण सब थे तब मैंने उठाया, तो धनुष तो मेरे लिए उठाना बाएं हाथ का खेल था, तो आपने क्यों नहीं उठा लिया, बोले तुम्हें पता नहीं। जनक को उसने मूर्ख कहा, उस मूर्ख राजा ने प्रतिज्ञा में एक बार जोड़ दिया था कि उठाना ही नहीं है तोड़ना भी है, और मैं इतना गुरु भक्त हूं कि गुरु जी की वस्तु को तोड़ना ये तो मुझे उचित नहीं लगा। क्या बढ़िया श्रद्धा का प्रदर्शन है, मानो अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए भी गुरु जी का मां होता इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। मंदोदरी के पास कोई उत्तर नहीं था, वो तो मोड़ दिया उसने बात को, पर भगवान ने जब अंगद को भेजा कहा था, भेजा था तो कह दिया था
अब अंगद तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, अब बहुत बुझाई तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। और वही हुआ, मानो अंगद ने एक नया दृश्य उपस्थित कर दिया। बोले जनकपुर में जनक ने एक यज्ञ किया था, चलो आज लंका में भी एक यज्ञ न सही तो जुआ हो जाए व्यंग। बोले जनकपुर में तो यज्ञ हो सकता है, पर लंका वाले तो जुआड़ी है, तो तुम्हें कार्य कर सकते हो क्या? जाओ मम चरण सकट सठ टारी, फिर राम सीता में हारी। चलो तुमने धनुष में उठाया तो मेरा पैर तो उठा ही सकते हो, और वहां उठा के तोड़ना था तो तोड़ना भी नहीं है, इधर तो कल उठा देना है। और फिर से मैं दोहराता हूं कि जो मम चरण सकस सक्षारी, फिर ही राम सीता में हारी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारे प्रभु श्री राम की हार हो गई और सीता जी को वे लौटा के चले जाएंगे। आश्चर्य हुआ, क्या दृष्टता है। लेकिन वो बड़ा चौकन्ना था, कहे तो छोटा मोटा सा कार्य है, मैं क्या उठू, और सकाउट है उसको बंदर को उठा के फेंक दो। सारे बंदर थक गए, सारे राक्षस प्रयत्न करके थक गए। और तब अंगद ने रावण की ओर देखा, अब तो सब लोग परीक्षा दे चुके, मिला आप उठा आप कपि के परचारे। अंगद का वाक्य सुन के खड़ा हो गया, और जब चला और अंगद के पैर की ओर झुका तो अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, हनुमान जी ने कहा राम चरण पंकज उधर हो, तो तुझे अपमान लगा, तो सीता जी को पाने के लिए बंदर का चरण पकड़ रहा है और भगवान का चरण नहीं, तेरी कैसी दुर्बुद्धि है। उस समय गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले पुरुष कुयोगी जिम उरगारी, मोह विटप नहीं सकहि उपारी। मोह के वृक्ष को उखाड़ लेना ही योग का चरम फल है, और रावण जैसा कुयोगी उस मोह के वृक्ष को उखाड़ने में सक्षम नहीं हो सकता, इसीलिए पाना उसके लिए सर्वनाश का संदेश बन गया। वह कुयोगी के रूप में सब कुछ खो बैठा। और उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि से के द्वारा अगर हम रावण के मार्ग का अनुगमन करें, इसलिए संबंध मत शब्द का प्रयोग रामायण में जिन पात्रों के लिए किया गया है, वो पात्र ये शब्द 12-13 बार मानस में है। इसमें 2 बार तो रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, और उसके साथ साथ एक ऐसे पात्र की जिसकी बात भी अभी कुछ क्षणों में मैं कहूंगा। और उसमें गोस्वामी जी ये कहते हैं कि यह कितना मंद बुद्धि का रावण है। मंद बुद्धि माने इतना बड़ा पंडित मंद बुद्धि। उसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, साधु का वेश बनाया, सीता जी को पाया जा सकता है साधु बनकर के, साधु का वेश बना के नहीं। साधु तो शांति के उपासक है, लेकिन कोई साधु हृदय से न बन के साधु का वेश बना ले जैसा रावण ने किया, तो उसका परिणाम उसके जीवन में प्रतिकूल होना स्वाभाविक है। और इसका अभिप्राय यह है कि हम किसी वस्तु को बुद्धिमत्ता से छल पूर्वक जिस तरह से पाना चाहिए, जिस पद्धति से पाना चाहिए, वैसे न पा करके जब कोई रावण के मार्ग से, और रावण ऐसी बुद्धि वाला भी अपने को तो मंद बुद्धि मानते ही नहीं, लेकिन जिसमें युद्ध चल रहा था और श्री राम के बाण से मूर्छित हो गया रावण, तो उसके सारथी ने सोचा कि महाराज के ऊपर अवेग हुए बाण लगा तो मृत्यु हो जाएगी। पर पूरा सेवक था रावण का, और वो रथ को वहां से तुरंत वापस ले जाता है। उस सारथी को ये पता नहीं था कि श्री राम तो इतने महान है कि कभी मूर्छित व्यक्ति पर बाण चलावेंगे नहीं, पर एक सेवक के रूप में वो रथ को ले गया वापस। और ले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा दूर हुई, और मूर्छा दूर होने के बाद क्या शब्द कहा रावण ने,
रावण ने कहा धिग धिग अधम मंदमति दोही महामंदमति रावण। सारथी को कह रहा तो बड़ा मंद बुद्धि का, क्यों सठ रण भूमि छोड़ाए से मोही, तू कैसा दुष्ट है तेरी बुद्धि कि युद्ध क्षेत्र को तूने का युद्ध क्षेत्र से मुझे छुड़ा दिया। मैंने उस समय भी वो क्यों कह रहा है कि ये कह दे रावण को कहना तो चाहिए कि भाई तुम तो बड़े स्वामी भक्त हो, तुमने मेरी सुरक्षा का इतना ध्यान रखा। उसको लगा कि कहीं ये ना प्रचार करने लगे कि रावण तो हार रहा था मैंने बचा लिया, उसको भला पसंद आ सकता, उन्हें तो महान मूर्ख हो। ऐसा नहीं कि वो कोई भागता नहीं था या का कोई ऐसा उसका जीवन हो कि जिसमें मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं हो, तो मानो वह व्यक्ति जिसके जीवन में रावण जैसे वृत्ति है वह मंद बुद्धि वाला है जो दूसरों को मंद बुद्धि का कहता है। और एक और प्रसंग आता है जहां पर ये तो निशाचर की बात है, एक देवता के देवता नहीं देवराज इंद्र के पुत्र के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया और हर प्रसंग में आप सीता जी को कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ पाएंगे। क्या हुआ आरण्यकांड के प्रारंभ में आप पढ़ते हैं क्या, इंद्र के पुत्र ने सुना कि ईश्वर जो है उसने अवतार लिया है और वो चित्रकूट में रह रहे हैं। वह सोचने लगा मैं तो देखूं जाके। श्री राम उसमें जनक नंदिनी सीता को पुष्प के गहनों से सजा रहे थे, उस दृश्य को देख करके लगा ये ईश्वर का अवतार हो सकता है, पत्नी को सजा रहा है, पत्नी को रिझा रहा है। श्री राम सीता जी के मस्तक पर तिलक लगा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे और तब उसने सोचा कि अच्छा हम जरा सुन तो आए हैं नारद जी कह रहे थे ईश्वर है परीक्षा ले। और तब गोस्वामी जी ने उसके लिए शब्द लिखा क्या, सूर्यपति सुत धरि वायस देखा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमी पिपीली का सागर था मूढ़ मंदमति पावन जा। यह कितना मंदमति का है, मैंने जो बात कही थी बुद्धिमान वह नहीं है कि जो यह जानता है कि मैं कितना जानता हूं। वह जानना महत्वपूर्ण है पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं क्या नहीं जानता। और इसी प्रकार से बुद्धि का सदुपयोग है और उसका प्रयोग तो जीवन के पग पग पर होना चाहिए, पर जिसका प्रयोग बुद्धि के परे है या बुद्धे पर तस्तु सह वहां पर तो बुद्धि को अपने आप को विराम दे देना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यह जैसे कोई चींटी है सोचे कि हम समुद्र को पार कर ले तो क्या प्रशंसा करेंगे, वह कितनी साहसी चींटी है कि जो समुद्र को पार करने की कल्पना कर रही। और तब फिर से उसको मंदमति लिखते हुए कहा सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण खागा। दो बार उसके लिए मंदमति का, क्यों बुरी बात तो थी ही कि भगवान के बल को जानना चाहता है, पर जानने का उपाय क्या है, क्या किया जनक नंदिनी सीता के चरणों में जाके प्रहार कर दिया। अब इसका सूत्र क्या है, जनक नंदिनी सीता ही तो वह है जिनके द्वारा व्यक्ति को निर्मल मति मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जिनके चरणों के द्वारा व्यक्ति निर्मल मति प्राप्त करता है वह कितना मंद बुद्धि का था कि वो जानने के लिए उन्हीं चरणों में प्रहार करता चोंच चलाता है और रक्त की धारा निकल करके बाहर बहने लगी। जनक नंदिनी ने नहीं बताया लेकिन प्रभु जो है रक्त का दृश्य देखते ही अच्छा तो आपने वहां पर दोनों पक्ष आ जाता है। दे इंद्र का पुत्र भी मंदमति हो सकता है, रावण मंदमति है ही है और वह मंदमति जब जनक नंदिनी जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है उनके चरणों में ही प्रहार करता है तब उसका परिणाम होता है प्रभु श्री राम भद्र। सीख का एक धनुष और सीख का ही एक बाण, यह सीख प्रभु ले आए थे फूलों का श्रृंगार करने के लिए जो प्रभु ने आभूषण बनाए थे, उसी सीख का धनुष और उसी सीख का एक बाण
प्रभु ने उसकी ओर प्रेरित कर दिया और वह भागता फिरा। ऐसा मूढ़ मंदमती को स्वामी जी कहते हैं कि तब वो धर निज रूप गए वो प्रभु पाए। व्यंग है, संसार में नकली रूप का सम्मान बहुत होता है। आप जितने रूप बदलने की कला में निपुण है उतना आपको लोग अच्छा मानेंगे। और भगवान का ये स्वभाव है, वो तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जहां पर सरल होना चाहिए वो कौवा बन गया, और जब भागा वहां से बाण के डर के मारे तो धरी निज रूप गयो की तो पाए। कौवे से तुरंत इंद्र का बेटा बन के गया, पिताजी मुझे मार रहा है बाण बचाइए। इंद्र को लगा कि सौभाग्य के कारण स्वर नष्ट हो, मैं नष्ट हो तो भाव है, जहां वो जाता है वहां से भगाया जाता है। और भगाए जाने के बाद जब व्याकुल था तो वो संकेत यही कि जब ऐसी मंद बुद्धि हो, बुद्धि ऐसी विपरीत हो तो उपाय क्या है। वो स्वामी जी तो कहते कि ये जो संत है उनका संग करने से, यहां पर यही शब्द है मत की भूत भलाई, जब जही चेतन जहां जही पाई सो जानब सत्संग प्रभाव। और विचित्र दृश्य था, ये तो बस भागता रहा, ब्रह्मा के पास चला गया, सर शंकर जी के पास गया, सबके पास गया, सब ने निकाल बाहर किया। पर इस अभागे पर मंद बुद्धि पर किसी का ध्यान चला गया तो संत था। अब वो क्या सत्संग करने जा सकता था? अब वो भाग रहा है तो संत भी पीछे पीछे भागा। नारद जी भी कह रहे सुनो तो भाई, महाराज क्या सुने देख नहीं रहे, पीछे कौन लगा हुआ। कई लोग सत्संग से इसलिए घबराते हैं, बोले समय नहीं है, काल पीछा कर रहा है। भगवान का बाण जो है काल ही है, लवन मेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंद, कहां है महाराज समय हम सुने, मानो काल काल का संकट। पर उन्होंने पूछ दिया कहां से आ रहे हो, बोले श्री राम के पास। कहां जा रहे हो, बोले महाराज जहां जा रहा हूं वही निकाला जा रहा हूं। तो अब संत ने क्या किया, सच्ची मति संत ने दे दिया, बुद्धि संत ने दे दिया। संत ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम क्या सोचते हो, बाण तुम्हें तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है। महाराज इसमें कोई पूछने की बात है, मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए तो तुम्हें कोई बचाने वाला मिला, वो तो नहीं मिला। जहां गए सब स्थानों में निकाले गए और बाण तुम्हारा पीछा कर रहा है तो चाहे जब मार देता, अगर नहीं मारा तो मारने के लिए तो नहीं लगा होगा। मानो घटनाओं का अर्थ संत बदल देते। काल का भय अगर लगे, डर लगे तो संत से पूछिए, तब आपके जीवन में मृत्यु की आशंका उतनी नहीं रह जाएगी। और संत ने यही कहा, सच बात तो यही कि ईश्वर का एक काल को बाण चाहे जब जिसको मार सकता है, कब किस पर गिरेगा कौन मरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। पर संत ने कहा सत्य तो ये है कि बाण जो है मारने के लिए नहीं, तुम भगवान की महिमा बल को जानना चाहते थे, और यह सावधान कर रहा है कि तुम कहीं भी जाओगे काल से रक्षा नहीं, पर काल का जो परम प्रेरक ईश्वर है वही शरण में जाने से तुम्हारा कल्याण हो। इस बाण को तुम भय के द्वारा भले ही भयभीत हो, पर भयभीत होकर के भागो मत, भयभीत होकर के वहां जाओ। यही प्रभु ने लक्ष्मण जी से कह दिया था, कहने लगे कि सुग्रीव का वध कल मैं करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों, आज मैं अभी जाता हूं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं मार मत देना, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, बड़ा डरपोक और बाली के डर से इसने भक्ति किया और बाली मर गया तो मुझे भूल गया, थोड़ा सा फिर डरा दो, डरा देने से काम बन जाएगा, उसके लिए वही मृत्यु है, तो मैं जाता हूं। पर लक्ष्मण जी जब चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है, क्या आपको सुग्रीव से डर लग रहा, क्या आप सोचते हैं कि
मेरे सामने कोई विश्व में टिक सकता है? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, दूसरे से नहीं तुमसे डर लग रहा, कि ऐसा न डराना कि भाग के चला जा, डराना इधर बुलाने के लिए। तब अनुजही समझावा, रघुपति करुणा सिंह भय दिखाई ले आओ। ईश्वर हमें आपको डर दिखाता है तो बुलाने के लिए, भगाने के लिए नहीं। हम भागे तो हमारा दुर्भाग्य। मानो संत ने नारद जी का भगवान का बाण को निमंत्रण दे रहा है, लौटो भागो मत, उसके पास जाओ। पर अब बड़ा डर लगने लगा। कह तो ठीक रहे संत जी, पर जाने के बाद अगर पूछ दिया क्यों कहां क्यों कैसे, तो मैं क्या कहूंगा? तो संत ने मंत्र बता दिया कि अगर पूछे कि तुम दूर क्यों चले गए थे, तो कह देना कि महाराज मैं आपका प्रभाव देखने आया था। तो घर में तो प्रभाव सबका होता है, मैं देखना चाहता था आपका प्रभाव कहां तक फैला हुआ। तो मैं सर्वत्र ब्रह्मांड में परिक्रमा करके समझ गया कि आपका प्रभाव सर्वत्र है। तो भागते हुए प्रभाव देखते रहे, अब यहां क्यों आए? संत ने कहा कि बस कह देना प्रभाव तो देख चुका, स्वभाव देखना बाकी है। एक इसीलिए आपकी शरण में आया हुआ हूं, और कितना कल्याण हो गया। मानो जिस मंद बुद्धित्व के कारण का वो दंड का पात्र बनता, संत ने उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित होने का यह परिणाम हुआ कि वह भगवान की शरण में जाकर के सुरक्षित हो जाता है। और इसका अभिप्राय है, रावण जैसा व्यक्ति मंद बुद्धि होकर के अपना विनाश बना लेता है, और जयंत जैसा व्यक्ति मंद बुद्धि होते हुए भी सत्संग के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। पर समय अभाव से आज उसकी व्याख्या नहीं हो सकेगी। सती जी ने दक्ष को, जो उनके पिता हैं, और दक्ष का अर्थ जो है चतुर है, दक्ष बने चतुर, और वो प्रजापति इसीलिए बनाए गए थे। ब्रह्मा जो बुद्ध के देवता हैं, उन्होंने ये सोचा देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक, उन दक्ष के लिए जो चतुर थे प्रजापति थे सती के पिता थे। अंतिम क्षण में जब सती ने परित्याग किया तो उन्होंने कहा, अरे ये जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति। मैं समझती थी मेरा पिता बड़ा बुद्धिमान है, पर इससे बढ़कर के बुद्धिहीन कोई है ही नहीं। किस कसौटी के आधार पर उन्होंने मंद बुद्धि कहा, और कैसे हम, एक सज्जन मुझसे पूछा, नहीं वो कोई और शब्द आप कह दीजिए, कोई भक्त नहीं है तो भक्त कह दीजिए, आप अगर उसको पुण्यात्मा नहीं तो पापी कह दीजिए, मंदमति क्यों कहते हैं? तो मेरे मुझसे यही बात निकली कि अगर आप अपने लड़कियों को कोई पाठ याद करने के लिए कहें, और रोज याद करने के लिए कहें, और रोज भूल जाए, तो आप क्या कहेंगे? उनका तब तो कहे बड़ा मंदमति है। तो मैंने कहा कि एक पाठ भूलने पर जो मंदमति माना जाता है, और जिसने ईश्वर को ही भुला दिया और रोज याद दिलाने पर भी भूल रहा है, उससे बढ़ के मंदमति कौन हो सकता है? इसलिए आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कर बोलिए।